डियर स्टूडेंट, मेरा लेक्चर उसमें प्रोग्रेशन ही हो पाया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं नहीं बना पाया, तो उसमें कुछ वीडियो कट आउट हो गए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करें, ये भी मेरा लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जल्दी से नोट करें डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? शॉर्ट में इसको एपी कहते हैं। याद है, इस हेडिंग को आप तभी पढ़ेंगे जब इसके पहले वाला वीडियो देख चुके हो जिसमें मैंने पढ़ाया है प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कुछ नंबर लिखते चले जाइए, जरूरी नहीं है कि उनमें गैप सेम हो। ठीक, उनको आप लिखते चले जाइए किसी रूल के तहत, आप रूल बनाइए, उस लेक्चर को पहले देख लीजिए तब आप उसको देखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। एपी के लिए जरूरी है कि आप जो भी नंबर लिखें, जो भी नंबर लिखें, जैसे मेरे सामने 1 3 5 7 9, यहां पर इसमें 1 और 3 में 2 का गैप है, 3 5 में 2 का गैप है, 5 7 में 2 का गैप है, 7 9 में 2 का गैप, ये इसमें गैप सेम दिख रहा है, हर जगह गैप सेम दिख रहा है, इसी को एपी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब डियर स्टूडेंट, कई बार हम लोग जैसे ये नंबर लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, हम लोग इसको एपी बोलते चले जाते हैं, सोचते हैं कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। गलत है भैया, एपी नहीं है, देख लो गैप सेम नहीं। अब कई लोग गैप नहीं पता कर पाते हैं डियर स्टूडेंट, गैप पता करने के लिए हमेशा कोशिश किया करो, पहले कहीं भी जाओ, तुम मान लो मैं इसी नंबर को पकड़ लिया, कोई जरूरी नहीं मैं इसी नंबर को पकड़ू, मैं इसको भी पकड़ सकता हूं, इसको भी पकड़ सकता हूं, आपकी अपनी मर्जी है। आप इस नंबर को ले लीजिए और इस नंबर में से इसके पहले का नंबर माइनस करना, इसके पहले का नंबर कौन, ये, और जो आया उसको गैप कहते हैं, यही गैप का एक नाम है कॉमन डिफरेंस, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। याद रहे इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। अभी तुम इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट, एलसीएम 6 आएगा और ये 2 - 3 मतलब -1/6। अच्छा बताओ इसमें और इसमें कितने का गैप है, यही गैप को निकाले हो, इसमें से इसको माइनस करके कितने का गैप, -1/6 हो गया। थोड़ा इसमें और इसमें पता करो कितने का गैप है, 1/4 और 1/3 में कितने का गैप है। याद रहे डियर स्टूडेंट, कभी भी गैप पता करने के लिए हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है, याद रहे ये चीज। 1/3 में से 1/2 को माइनस किए हो, अब तुम किस में से किसको माइनस करोगे, अगर 1/4 ले रहे हो तो 1/4 में से 1/5 नहीं माइनस करोगे, 1/3 माइनस करोगे, 1/4 में से 1/3, तो ये आपका आंसर जो आएगा डियर, -1/12 आएगा, करके देखो -1/12। इसका मतलब ये एपी नहीं है, एपी के लिए जरूरी कंडीशन है कि गैप क्या हो, सेम। तो हर उस नंबर के सीरीज को हम एपी कहेंगे जिसमें गैप सेम हो। हमेशा एक रूल याद रखिएगा ना, भूलना नहीं, बाद वाले में से पहले को माइनस करना, ये बहुत गलती करते हैं कई लोग। अब जैसे अभी मैं कह दूं यहां 2 4 6 8 लिखा है, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ या पहचानो एपी है या नहीं, और इसको भी पहचानो एपी है या नहीं, तो देखो पहचान के बताओ। डियर फ्रेंड, इसमें से आप कहीं भी जाओ, मान लो यही अंदर 6 में से किसको माइनस करो, 4 को, तो 2 है, इसी को कॉमन डिफरेंस है, और ये हर जगह सेम होना चाहिए। अब 8 में से किसको माइनस करोगे, 6 को, तो भी 2 ही है, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो भी 2 ही है, यही कॉमन डिफरेंस है। इसमें किस में से किसको माइनस करोगे, 4 में से 2 को माइनस करोगे, नहीं 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 4 में से 6 को, तो इसका डी कितना है, -2 आएगा, याद रहे, कई लोग +2 बोल के चले जाते हैं। तो डी आंसर समझ में आया, हालांकि ये भी एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि अभी 4 में से 6 को माइनस करो तो -2 आ रहा है। अब बताओ अगर 2 में से मैं 4 को माइनस करूं तो भी तो -2 ही आएगा,
इसलिए ये एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। बस अंतर इतना है कि इसमें इसका कॉमन डिफरेंस प्लस टू है, इसका कॉमन डिफरेंस माइनस टू है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका कॉमन डिफरेंस निगेटिव क्यों आ रहा है पता है क्यों? क्योंकि ये नंबर बार देखो डिक्रीज होता चला जा रहा है, सिक्स के बाद फोर, फोर के बाद टू, कम होता चला जा रहा है, इसीलिए निगेटिव आ रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव। समझ में आएगी? तो एपी के लिए जरूरी कंडीशन है डीएस1 गैप से हमेशा बाद वाले में से पहले को माइनस करो। एपी के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप कर ही नहीं पाओगे, कई ऐसे डिफिकल्ट एग्जांपल मुझे आगे सब में एनसीईआरटी से करवाने हैं, ये लेक्चर थोड़ा मेरा छोटा रहेगा ठीक, तो इसलिए इस एग्जांपल को जल्दी जल्दी आप नोट करें। तो एपी की डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट, एपी की डेफिनेशन क्या है, कोई आपसे पूछे एपी की डेफिनेशन? तो एपी की जो डेफिनेशन है, दिस सीरीज ऑफ नंबर्स, दिस सीरीज ऑफ नंबर्स, मतलब आप नंबर्स के सीरीज लिखिए ठीक, लेकिन कैसे हो आप? हैविंग सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब समझ रहे हो, मतलब आप नंबर के सीरीज लिखो वो सेम अमाउंट में, मतलब फिक्स, इंक्रीज भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, डिक्रीज